हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमेन और प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमेन कंक्रीट मिक्स की। बिटुमेन कंक्रीट मिक्स क्या होता है? यहाँ पे कंक्रीट बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल मिक्सचर, और यहाँ पे हम बिटुमेन को मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस बिटुमेन कॉन्क्रीट मिक्स के प्रॉपर्टीज को जाने। तो इंजीनियरिंग टर्म से या फिर उसके कंस्ट्रक्शन पर्पस से तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिटुमेन कंक्रीट मिक्स की। सबसे पहली क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा प्योरिटी, और तीसरा सेफ्टी। इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आइए एक एक करके बात करते हैं क्या होता है। देखिए, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें ये पता है कि बिटुमिनस एक कैसा मटेरियल है, एक थर्मोविस्कस मटेरियल है, विच मीन्स के ये जब हीट होएगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होएगा, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होएगा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे ये कूल होगा तो ये थोड़ा सा सॉलिड होता जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हीट है तो उसमें एबिलिटी होगी फ्लो कर सके, मतलब ये बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव है। कंसिस्टेंसी बेसिकली एक ऐसा टर्म होता है जो कि उसके स्टिफनेस को मेजर करता है ना, उसके इस डिग्री ऑफ स्टिफनेस को मेजर करता है, या फिर उसके अंदर कितनी एबिलिटी है फ्लो होने के लिए, ठीक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो कि बिटुमेन है वो भी हम जज करते हैं, टेस्ट करते हैं अलग अलग एम्पिरिकल टेस्ट के बेसिस पे। जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, आपने थर्ड फोर्थ यूनिट के अंदर देखा है हमने पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा, सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में बात की, डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में बात की। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्टिंग होती हैं जिसके बेसिस पे आप क्या फाइंड आउट करते हो, कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करते हो। बेसिकली आपको डिग्री ऑफ स्टिफनेस या फिर एबिलिटी ऑफ फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो के बारे में बताता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्योंकि थर्मोविस्कस मटेरियल है, गर्म होने पे ये बहाव की उसमें रहता है, और अगर जैसे जैसे ठंडा होता जाता तो ये सॉलिड बनने लगता है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी इसकी प्योरिटी। प्योरिटी क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये कैसा मटेरियल है, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज से, है ना, तो वहाँ से होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं या फिर अदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये चेक की जाती है कि बिटुमिन प्योर है या नहीं। अगर इसके अंदर प्योरिटी नहीं होगी तो उतने अच्छे से बाइंड अप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब इस प्योरिटी के बारे में हम बात तो कर रहे हैं कि प्योरिटी वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट इसको चेक भी करना होता है। तो जब हम इसको चेक करते हैं तो ये बेसिकली कार्बन डाइसल्फाइड के चेक की जाती है कार्बन डाइसल्फाइड के, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड बोल ले या फिर ट्राइक्लोरो एथिलीन के ऊपर बात कर ले, मतलब इन दोनों के बेसिस पे ही इसकी प्योरिटी चेक की जाती है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, दोनों चीज़ें, एक कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरा है ट्राइक्लोरो एथिलीन, इन्हीं के सॉल्यूशन में इसको चेक किया जाता है। जैसे कि हमने बात भी की कि ये रिफाइनरी से, पेट्रोलियम रिफाइनरी से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि 99.5% सॉल्यूबल होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्योरिटी को फाइंड आउट करें। तीसरा सेफ्टी। हमें पता है क्योंकि ये विटामिन यूज़ किया जाता है, क्या कहते हैं आपके, बहुत ही हॉट मिक्स एसफाल्ट के साथ इसको यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि पेट्रोलियम का ही एक पार्ट होता है बिटुमेन, तो ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट से भी क्या कर सकता है, आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है, एक बहुत बड़ा फायर हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसलिए इसको डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कैसे होता है, तो ये भी एक सेफ्टी हम लोग यूज़ करते हैं, पता है। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है कि इसको हम ओपन जगह पे ही यूज़ करते हैं, है ना, ओपन जगह पे ही यूज़ करते हैं और बहुत ही दूर, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम पे आग पकड़ लेता है, जाहिर सी बात है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए हमको ये भी पता होना चाहिए इसका फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है, और कहीं ना कहीं ये सेफ्टी प्योरिटी आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं, ठीक है।
तो इसलिए इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को फाइंड आउट करना, ताकि हम बिटुमिन को बिटुमिन की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर लें और उसकी उसको ग्रेडेड कर सकें कि कहाँ पे कौन से ग्रेड का ये यूज़ होना है। तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी थी आपकी काय की बिटुमिनस कॉन्क्रीट मिक्स की, जो कि कंसिस्टेंसी, आपकी प्योरिटी और सेफ्टी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।